नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। बागबेड़ा थाना क्षेत्र के राजा तालाब के पास बाइक सवार दो अपराधियों ने पूर्व छात्र नेता सूरज कुमार सिंह पर जानलेवा हमला किया। इस दौरान पूर्व छात्र नेता पर भुजाली से वार कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया। घटना की जानकारी पड़ोस के लोगों को तब मिली जब उन्होंने सूरज को लहूलुहान अवस्था में पाया। इस बीच हमलावर मौके से भागने के लिए स्थानीय लोगों ने घायल को तत्काल इलाज के लिए TMH पहुंचाया। बताया जाता है कि उसके शरीर पर 4 बार भुजाली से वार किया गया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटनास्थल से 2 भुजाली बरामद भी किया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मामले की पुलिस जांच के बाद ही घटना के कारण के खुलासे की उम्मीद बताई जा रही है। सूरज नाम के युवक हैं, बागबेड़ा के रहने वाले हैं। उनको जख्मी हालत में सड़क पे पाया गया और जब उनसे बात की गई तो पता चला कि उनको एक धारदार हथियार से चेहरे के ऊपर मारा गया। अभी वो इलाजरत है हॉस्पिटल में। उन्होंने अपराधी का नाम बताया है और पुलिस प्रयास कर रही है कि अपराधी को पकड़े। सर, किन कारणों से मारा गया है? अभी कहना मुश्किल है क्योंकि ये लोग आसपास के ही हैं, इसलिए कहना मुश्किल है कि क्या इनके ये कारण है, लेकिन प्राइमा फेसी कुछ इंटरनल मैटर घटनास्थल की। सर, कोई चापड़ चाकू को बरामद हुआ है? कितने लोग थे सर? अभी जख्मी व्यक्ति ने एक ही नाम बताया है। जमशेदपुर के सांची थाना अंतर्गत सॉपर स्क्वायर मॉल स्थित एक लेडीज गारमेंट की दुकान में छेड़खानी कर एक युवक को पिटाई के बाद महिलाओं ने पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी देते हुए गारमेंट दुकान के संचालिका ने बताया कि गलत नीयत से ग्राहक बनकर युवक पहले दुकान में घुसा, उसके बाद छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर मौके से भागने लगा, जिसे खदेड़ कर पकड़ा गया और पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल सांची थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कपड़ा दिखाते दिखाते एक दो बार में बोला कि हमको नापी मेजरमेंट दिखाना है। हमने सर आप साइज बताएं, हमको साइज के हिसाब से वो दे देंगे। फिर वो नापा एक बार, दो बार, तीसरी बार में वो सीधा मेरा जब गाल छुआ था वो मुझे थप्पड़ मारे, वहाँ से जो भागा सीधा सांची में जाके उसको पकड़े और वहाँ से सब खाना। क्या नाम से दुकान है आपका? स्टाइल क्रिएशन। क्या चीज की दुकान है? कपड़े का काम। एक कपड़ा खरीदने आया था? क्या इसको पहचानते हैं आप? नहीं, हम नहीं पहचानते। ऐसा कस्टमर है वहाँ पे, तो आया, हम बैठे हुए थे, हम अपना देख रहे थे, आया जैसा कस्टमर के तौर पे वो घुसा, तो बोला कुर्ती दिखाइए। कुर्ती आप देखेंगे दुकान में जाके पूरा बिखरा पड़ा। अकेले आया था कुर्ती लेने? हाँ, अकेले ही आया था। आया दुकान के अंदर, आया, मेरे को बोला कुर्ती दिखाना, हम उसे कुर्ती दिखाने लगे। मेरे को बोला ये फाइनल है? ठीक है, फाइनल है तो ले लीजिए। उसके बाद भी नहीं मेजरमेंट, नहीं मेजरमेंट, दो बार हुआ, तीसरी बार में सीधा गाली छू लिया। जब छुआ तब हम उसको मारे। सांची पुराना कोर्ट के पास से मोबाइल छिनताई कर भाग रहे युवक को स्थानीय लोगों ने खदेड़ कर जुबली पार गेट के पास धर दबोचा, उसके बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए युवक ने खुद को मांगो के ओल्ड पुरुलिया रोड का रहने वाला मोहम्मद परवेज उर्फ छोटका बताया है। उससे पुलिस थाने में पूछताछ कर रही। जानकारी के मुताबिक जुबली पार गेट के पास लोगों ने अचानक देखा कि एक युवक को 2 लोग खदेड़ कर पकड़ने में लगे हैं। हालांकि युवक काफी आगे भाग निकला था, तब तक शोर सुनकर आसपास के लोगों की भाग रहे युवक पर नजर पड़ी। उन्होंने खदेड़ कर युवक को धर दबोचा, उसके बाद लोगों को पता चला कि युवक को खदेड़ रहे लोग सादे बिलास में पुलिस के जवान थे। पार्क में अचानक से देख रहे हैं सिविल ड्रेस में पुलिस थी और एक लड़का दौड़ तो भाग रहा था, तो हम लोग बिष्टुपुर थाने के सिपाही थे, मैं पहचान रहा था उनको, इसलिए हम लोगों ने दौड़ करके उस लड़के को पकड़ा। बाद में पता चला है कि वो लोग 2 लोग थे, कोई मोबाइल गिरा था, छीनने की कोशिश की, मोबाइल गिरा था, जानकारी तो हम लोग को नहीं है, पुलिस दौड़ा रही थी इसलिए हम लोग पकड़ लिए। लगता कोई मोबाइल छिनताई करके भागने लगा था, एक लड़का भाग गया, एक लड़का पकड़ा गया। जिले के बैंकमोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत मटकुरिया में वर्ष 2011 में अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ एकजुट हुए लोगों के ऊपर गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसकी सुनवाई धनबाद न्यायालय में चल रही है। इसी क्रम में बुधवार को केस चार्ज होने की स्थिति में सभी आरोपियों को सशीर हाजिर होने का आदेश निर्गत हुआ था, जिसमें आधा दर्जन लोग बुधवार को हाजिर नहीं हुए। इस वजह से न्यायालय ने अगली तिथि 7 जनवरी की मुकर्रर की है, जिसमें सभी आरोपियों को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। मालूम हो कि वर्ष 2011 में हाईकोर्ट के आदेश पर धनबाद पुलिस अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही थी। पुलिस के साथ साथ CISF के जवान भी इस अभियान में जुटे थे। कुरिया गोलीकांड में हम लोगों को बेवजह फंसाया गया, बहुत से निर्दोषों को हत्या कर दी गई, अतिक्रमण के नाम पर अत्याचार किया गया BJP सरकार के द्वारा, उसमें हम लोगों को षड्यंत्र कर फंसाया गया, एक्सप्लोसिव का केस दिया, आर्म्स का केस दिया, मर्डर का केस दिया। उस मामले में हम लोग 45-46 दिन जेल में थे, हम लोग जेल में रहे, उसके बाद न्यायालय के आदेश पर हम लोगों की जमानत हुई, हम लोग बाहर आए, तारीख पर तारीख चली और अभी भी तारीख चल रहा है।
शहर के मिश्रित भवन स्थित झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष दर्जनों ऊर्जा मित्रों ने बुधवार को प्रदर्शन कर कार्यालय का घेराव किया, जिसमें ऊर्जा मित्र ने बकाया वेतन भुगतान की मांग रखी। साथ ही प्रोविडेंट फंड एवं ईएसआई जैसे सुविधा में लापरवाही नहीं करते हुए इसे अविलंब लागू करने की बातें को भी रखा। ऊर्जा मित्रों ने बताया कि वर्तमान आउटसोर्सिंग कंपनी एमडी सॉल्यूशन ने 6 महीने काम कराकर ऊर्जा मित्रों को मात्र 3 महीने का वेतन दिया है, जबकि पूर्व की कंपनी ने 8 माह का वेतन भुगतान किए बगैर भाग खड़ी हुई है। ऐसे में इन लोगों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, जिसे अविलंब निपटाने की मांग की गई। भैया देखिए, हम लोग जो कोरोना काल में इतना बड़ा संकट टला, उसमें उसके बावजूद भी हम लोग हर घर में जाके एकदम अप टू डेट मीटर का रीडिंग करके उसका बिल थमाए हैं, जबकि सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने में हम लोग का बहुत ही मतलब अहम भूमिका है। और बात बताइए कि हम लोग 4.60 रुपया में 5 साल तक काम किए हैं, है ना, और अभी जो नया कंपनी वो 13.5 रुपया समथिंग कुछ पैसा ले रही है और हम लोग 4.60 रुपया हम लोग को पेमेंट कर रही है, और जो नया कंपनी 8 रुपया लेती थी उसमें 4 रुपया देती थी, है ना, तो जो उतना ले रही है तो फिर हम लोग का भी कुछ पेमेंट होना चाहिए ना। निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत हाथबाड़ी स्थित कुहका बस्ती के समीप घने जंगलों में एक छत विक्षिप्त अवस्था में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भिजवा दिया। वहीं मौके पर उपस्थित हाजिया जाम पंचायत के मुखिया गौतम दत्ता ने बताया कि कुछ युवकों के द्वारा उन्हें सूचना मिली कि कुहका के घने जंगलों में एक लाश पड़ा हुआ था। जब घटनास्थल पर वह पहुंचे तो देखा बॉडी पड़ी हुई है। उन्होंने तुरंत निरसा थाना प्रभारी को सूचना दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर घटना पर पहुंची एवं बॉडी को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं दूसरी ओर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया गया। तो कुछ लड़का ने बोला जो लाश मिला फिर यहाँ आए हैं, क्षेत्र का दौरा किए, देखने के बाद में हम तुरंत थाना गए, थाना को खबर किए। खबर करने के बाद में अनवर सर से कॉन्टेक्ट करने बोला, वो लोग पेट्रोलिंग में थे। अनवर सर से कॉन्टेक्ट किए, अनवर सर से कॉन्टेक्ट करने के बाद में तुरंत यहाँ से आया है थाना वाला और कार्रवाई अभी चल रहा। विशाल साड़ीज, हमारे यहाँ साड़ी, कुर्ती, लहंगा चुनरी, लहंगा साड़ी, ब्लाउज और भी वैरायटी उपलब्ध है। हमारे पास अच्छे क्वालिटी के ड्रेस मटेरियल्स उचित मूल्य पर उपलब्ध है। शादी हो या कोई भी पार्टी, अच्छे ड्रेसेस लेने के लिए जल्द आए विशाल साड़ीज। हमारा पता तपड़िया बिल्डिंग, स्टेशन रोड, जगसलाई, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 6200115131 9570365100। क्वालिटी इज आवर आइडेंटिटी। सरायकेला खरसा जिले के आदितपुर थाना पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चोरी के 14 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए आदितपुर थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे ने बताया कि जिले के एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर आरआईटी मोड़ के समीप जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान एक संदिग्ध युवक को बाइक के साथ हिरासत में लिया गया, जिसने पूछताछ के क्रम में स्वीकार किया कि वह चोरी की बाइक की खरीद बिक्री करता है। युवक के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर छापेमारी के क्रम में चोरी के 14 मोटरसाइकिल बरामद किए गए, जो जमशेदपुर और सरायकेला के विभिन्न इलाकों से चुराए गए थे। इस दौरान पुलिस ने 3 युवकों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्त में आए युवकों का नाम कल्लू सरदार, बूटी और सुरेश कुमार और सुरेश सोए उर्फ डाकू सोए बताया जा रहा है। थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे ने बताया कि बूटी और सूरज कपूर में भी आपराधिक इतिहास रहा। विदित रहे कि आदितपुर थाना प्रभारी की कमान संभालने के बाद से लगातार थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे द्वारा क्षेत्र में चोरी के मोटरसाइकिल बरामद किए जा रहे हैं। इससे पूर्व भी दर्जनों बाइक उनके द्वारा बरामद की गई थी। जिला पुलिस के लिए इसे एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखी जा रही सकती। 21 को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग चलाया गया। एंटी क्राइम चेकिंग के तहत हम लोगों ने आसपास के क्षेत्रों में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में चोरी की घटनाएं आए दिन दर्ज हो रही थी, उसी में हम लोग एंटी क्राइम चेकिंग लगाए और चेकिंग के दौरान एक आदमी को पकड़े,
और उसके पास एक चोरी की मोटरसाइकिल मिली और उसी के अपराध स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर हम लोगों ने कुल 14 मोटरसाइकिल बरामद किए। चोरी का मोटरसाइकिल है और कुछ हमारे जिला का है, कुछ जमशेदपुर जिला का भी है। शिरडी साई चैरिटेबल ट्रस्ट जमशेदपुर की तरफ से 500 कंबल का वितरण किया गया एवं अगले हफ्ते बच्चों को स्वेटर भी वितरण किया जाएगा। आज 130 कंबल बांटने का टारगेट रखा गया है। ट्रस्ट की तरफ से निर्णय लिए कि हम 500 ब्लैंकेट बांटेंगे और अगले हफ्ते के बाद हम 500 स्वेटर भी बांटेंगे। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं उन्हीं गाँवों के जो छोटे बच्चे हैं उनको स्वेटर देंगे और जो बड़े उम्र के वहाँ के सदस्य हैं उनको हम कंबल बांटेंगे। इसी क्रम में हमने पिछले हफ्ते जगन्नाथपुर विलेज में 50 कंबल बांटे वहाँ के लोगों के लिए। उसके पहले हम साई मंदिर के बाहर जो लोग रहते हैं उनको कंबल बांटे और परसों 10 दिसंबर को पालसबनी में 5 गांव के लोग एकत्रित होंगे जहाँ पे 200 ब्लैंकेट हम बांटने जा रहे हैं। ये बाबा की प्रेरणा है और उसी को हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हमें हमेशा सक्षम रखें और इसी काम में आगे बढ़ने का हौसला अफजाई। जमशेदपुर में एनसीसी 37 बटालियन छात्रों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन कर बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया, जहां बिहार झारखंड एडीजी एवं इंदिरा बालन मौजूद थे। सांची करीम सिटी कॉलेज प्रांगण में एनसीसी छात्रों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जहां कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि बिहार झारखंड एडीजी एम इंदिरा बालन के अलावा एनसीसी के कई पदाधिकारी, कॉलेज के प्रिंसिपल एवं छात्र मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ की गई, जहां एनसीसी के छात्रों ने एडीजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए एनसीसी में हो रहे नए बदलाव के संबंध में एडीजी ने छात्रों को संबोधित किया, जहां उसके बाद सभी बेहतर प्रदर्शन करने वाले एनसीसी छात्रों को सम्मानित किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए एडीजी एम इंदिरा बालन ने कहा कि पिछले वर्ष पूरे देश के 1,00,000 एनसीसी छात्र की सीधी बहाली सेना में की गई थी, जहां इस वर्ष इस लक्ष्य को और बढ़ाया गया है। वहीं हम पूरे देश में एनसीसी छात्रों की संख्या को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, जहां राज्य सरकार से वार्ता कर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्रों को एनसीसी का प्रशिक्षण देकर उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि एनसीसी की पहुँच गाँव तक हो सके। ये सेना की तो बहुत उपलब्धियाँ रही हैं, आप जानते हैं, कारगिल युद्ध के बारे में बोले हैं, गलवान युद्ध के बारे में बोले हैं, 1971 वॉर के बारे में बोले हैं, जो कि इस साल स्वर्ण विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है बड़े हर्षोल्लास के साथ। यहाँ पे जितने हमारे देश के जो ब्रेव हार्ट्स हैं, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन सबको यहाँ की जो एनसीसी बटालियन है और जो एनसीसी ग्रुप है वो उनको बुलाकर उनको फेलिसिटेट कर रही है, उनका ऑनर हो रहा है। ऐसे प्रोत्साहन करने के लिए और देश के जवानों को और मजबूत बनाने के लिए एनसीसी बहुत काम। जमशेदपुर में सिख समुदाय के लोगों ने सुनारी गुरुद्वारा के कार्यकारी अध्यक्ष सरदार तारा सिंगल पर अराजक तत्वों के समर्थन से गुरुद्वारा के संविधान की अनदेखी कर दोबारा प्रधान बनने का आरोप लगाया है। इस मामले पर इन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात के साथ ही विधिवत रूप से चुनाव करवाए जाने की मांग की। इन्होंने कहा कि विगत 19 जुलाई को सुनारी गुरुद्वारा में गुरु हरिगोविंद सिंह जी का मिरिपिरी दिवस मनाया जा रहा था और इस दौरान गुरुद्वारे में अराजक तत्वों को बुलवाकर कार्यकारी अध्यक्ष तारा सिंह ने सोची समझी साजिश के तहत खुद को प्रधान घोषित करवा लिया। साथ ही उन्हें गुरमुख सिंह मुखे के द्वारा भी समर्थन दिया गया, जो खुद एक हमले के मामले में जेल में थे और वर्तमान समय में बेल पर हैं। इन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया परिणत गलत था और इस कारण प्रशासन ने इस मामले में हस्तक्षेप कर न्यायिक रूप से चुनाव को संपन्न कराया। वहीं इस मामले में सुनारी गुरुद्वारा प्रधान सरदार तारा सिंह गिल ने कहा कि विगत कई महीनों से जानबूझकर 10 से 12 लोग उन्हें बदनाम करने की साजिश करने में जुटे हैं, जबकि सुनारी गुरुद्वारा में 500 सदस्य और सभी उनके पक्ष में हैं और जो भी विरोध कर रहे हैं वो केवल एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने में जुटे। गुरुद्वारा साहब सुनारी का एक अपना रजिस्टर संविधान है जिसके तहत चुनाव होता है। 2018 से 20 तक तारा सिंह चुनाव में प्रधान जीत कर आए थे। 2020 में कोरोना आ गया जिसके चलते वहाँ चुनाव नहीं हुआ। हम भी कोरोना के चलते चुपचाप बैठे थे, लेकिन इस 2021 जुलाई 19 तारीख को तारा सिंह और गिनती से 10 आदमी भी नहीं होंगे संगत के रूप में, उसमें मुख्य जी हैं, उन्होंने कहा कि दोबारा प्रधान हम लोग तारा सिंह को नियुक्त कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। सोनारी की संगत पुरजोर विरोध कर रही है। आज हम लोगों ने जो ज्ञापन डीसी साहब को दिया है उसमें करीबन 150 संगत का साइन है, परिवार का साइन है, जिन्होंने विरोध किया कि यहाँ चुनाव होना चाहिए। और सीजीपीसी के संविधान के अनुसार प्रत्येक यूनिट जो है उनके जो 34-35 यूनिट है जमशेदपुर या पुरान क्षेत्र में, उनका कार्यकाल 3 साल का होगा प्रधान का कार्यकाल। अकॉर्डिंगली जो है हमारा कार्यकाल जो है
31 अगस्त 2020 को समाप्त 2021 को समाप्त होना था, उसके पहले ही हमने 19 जुलाई को संगत के दरबार में पूरी संगत थी हमारी सोनारी की, उस संगत के द्वारा हमें परवानगी दी गई कि आप अगले 3 साल के लिए दोबारा जो प्रधान आपको चुन लिया जाता है, क्योंकि आपने 3 साल के अंतर्गत काफ़ी अच्छा काम किया है गुरुद्वारे के विकास के लिए, हर तरह का काम आपने किया है, इसलिए आपको दोबारा संगत ने हमें जो है 3 साल के लिए फिर मौका दिया है प्रधान के रूप में। युवा मंडल विकास संगठन द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 2 दिनों से चल रहे इस कार्यशाला का आज समापन हो गया। समापन में युवाओं को अपने अपने क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की गई। आपको बता दें कि इस संगठन का उद्देश्य युवाओं को अपने साथ जोड़ना और उनके इलाके में युवा सहित अन्य लोगों की जो समस्या है उनकी समस्या का समाधान करना है। वैसे संगठन लगातार सरायकेला खरसा जिला में काम करते आ रहे हैं, उधर राज्य के विभिन्न जिलों में संगठन युवाओं को अपने साथ जोड़ रहा है ताकि राज्य में विकास और लोगों की समस्या का निदान हो। उधर समस्या से परेशान लोगों को समस्या का समाधान के लिए संगठन लगातार काम करते आ रही है। निमित्त हो रहा है युवा मंडल विकास अभियान जो है यूथ क्लब डेवलपमेंट कैंपेन जो हमारा पिछले कई दिनों से चल रहा था, और इसमें हम युवाओं को प्रेरित करते हैं युवा मंडल बनाने के लिए, और युवा मंडल बनाने के बाद वे अपने क्षेत्र में जो अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें कोई असुविधाएँ हैं तो उसे दूर करने के लिए वो आगे काम करते हैं। और हम लोग यहाँ पे इस सभागार में यही संकल्प लेते हैं कि हम पूर्ण निष्ठा से अपने अपने क्षेत्र में युवा एकजुट होकर काम करेंगे और अपनी जो जिंदगी है उसमें बदलाव लाएंगे और जो अपने देश की उन्नति में भागीदार रहेंगे। सिटी एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट एडमिशन ओपन फॉर डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी। आवर कॉन्टैक्ट नंबर 7903302477।